अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी हमारी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, रिश्ता जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये उन दोस्त मर्द हजरात के लिए है जिनकी उम्र 45 बरस तक हो, 45 ईयर्स तक जिनकी जो है उम्र हो मर्द हजरात की, उनके लिए ये रिश्ता है और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों। तो जो रिश्ता है, जो खातून है, इनका नाम है ईशाल बीबी। तो ईशाल जो है हमारी बहन, इनकी उम्र है 33 बरस, 33 ईयर्स। खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, अभी जो है एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी यंग उम्र है, लेकिन तलाक याफ्ता हैं। इनकी तलाक हो चुकी है, 1 साल हो गया है। इनके जो पहले शोहर थे, उन्होंने इन्हें जो है तलाक दे दी, इन्हें छोड़ दिया। तो ईशाल बीबी जो है, इनकी जो हाइट है वो जो है 5 फुट है। इसके अलावा इनकी तालीम जो है एमएससी जो है इन्होंने किया हुआ है, यानी कि 16 जमात पास हैं। एमएससी जो है इन्होंने जो है एमएससी केमिस्ट्री जो है इन्होंने की हुई है। इसके अलावा खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, एक बेटी भी है इनकी। ये मैं आपको जो है आपको अच्छी तरह बताता चलूं कि इनकी एक बेटी भी है जिसकी उम्र अभी 1.5 साल है और वो इनके साथ ही रहती है और शादी के बाद भी इनके साथ ही रहेगी। तो इसके जो है आगे चलते हैं, तो ये जो खातून है हमारी बहन ईशाल बीबी, ये जो है इस वक्त एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा कमाती हैं उससे। तो जो है ये इनकी जो सैलरी है वो जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान जो है ये मंथली कमा लेती हैं। तो काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, मुसलमान हैं जो है। इसके अलावा इनकी जो कास्ट है, इनकी जो ज़ात बरादरी जिसे कहा जाता है, ये राना फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त जो है ये अपने जो है पेरेंट्स के साथ रहती हैं लाहौर सिटी में। लाहौर सिटी में अपने पेरेंट्स के साथ ये रहती हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छे खासे समझदार सुलझे हुए लोग हैं। तो इनके जो हैं ये 4 बहन भाई हैं, तमाम शादीशुदा हैं। तो इनके जो वाली साहब हैं, उनकी जो है अभी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी जो बेटी है ये ईशाल, इनकी भी वो दोबारा से शादी कर दें। तो इसी सिलसिले में जो है उनका जो है हमसे रब्ता हुआ था, हमारे जो है ऑफिस वो आए थे। तो जो है उनकी जो डिमांड है लड़के के अबाउट, वो मैं आपको बताता चलूँ। लड़का जो है उसकी उम्र 45 बरस तक हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। तो वो जो है मुझे लड़का जो है मुसलमान हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता हो। तो लड़का जो है वो एक बात जो है अच्छी तरह सुन ले हमसे रब्ता करने से पहले कि इनकी बेटी जो है वो शादी के बाद इनके साथ ही रहेगी और ये अपनी जॉब जो है करती हैं और वो नहीं छोड़ सकेंगी, क्योंकि पहली जो है इनकी तलाक इसी बात पे हुई है कि वो जो है पहले शोहर जो है वो ये चाहते थे कि ये जॉब छोड़ दें, लेकिन इन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, इसीलिए इनके शोहर ने जो है इनको छोड़ दिया, इन्हें जो है तलाक दे दी। तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जॉब ये नहीं छोड़ सकेंगी, तो इसीलिए वही दोस्त मर्द हजरात हमसे रब्ता करें कि जो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी इनको जो है इनसे जो है रब्ता करना चाहते हों, बात करना चाहते हों शादी के लिए। तो वो मर्द हजरात जो इनसे मिलना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो है ख़ास तौर पर जो है कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप का जो है नंबर लिखा करें, ताकि जो है आप अपनी जो है तस्वीरें वगैरह जो है हम आपके जो है आपसे मंगवा सकें। तो
और आपको जो है तस्वीरें जो है लड़की की वो भी सेंड कर सकें। तो व्हाट्सएप का नंबर और अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।